नमस्कार, देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नंबर वन चैनल के नंबर वन शो चर्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात पुतिन के परमाणु कोबरा की। पुतिन की परमाणु फोर्स ने एक ऐसा किंग कोबरा बनाया है जो रेडिएशन वाला जहर उगलता है, और पुतिन ने अपनी सेना के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और बोले कि रूस के नए परमाणु हथियार तैयार हैं। जनवरी महीने में ये रूस के युद्धपोत पर तैनात भी हो जाएंगे। समंदर में पुतिन कितना भयंकर युद्ध शुरू करने जा रहे हैं, पुतिन ने जो नया हथियार दिखाया है, पुतिन का परमाणु कोबरा कितना जानलेवा है, जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। क्या यूक्रेन युद्ध का अगला चरण ठीक ऐसा ही होने वाला है? क्या पुतिन की सेना अब समंदर से यूक्रेन के अंदर वार करने वाली है? क्या फरवरी के शुरू होने से पहले पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को जीतने का फरमान सुना दिया है? सवाल है, पुतिन की सेना ऐसा कैसे करेगी? जो काम पिछले 10 महीने में नहीं हुआ वो अब 3 महीने में कैसे होगा? जवाब है रूस का नया परमाणु हथियार। पुतिन ने ऐलान किया है कि ये रूस का अजय अस्त्र है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। रूस की इस नई मिसाइल का नाम क्या है? इस मिसाइल पर पुतिन को क्यों इतना गुमान है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर फोर्स को परमाणु युद्ध की तैयारी और बढ़ाने को बोला है। целом балансе сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегической ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью. पुतिन ने ये बात रूस के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में बोली है। इस खास मीटिंग में पुतिन ने सेना के टॉप अधिकारियों को डायरेक्ट आदेश दिया है कि परमाणु युद्ध की तैयारी को कैसे बढ़ाना है, आने वाले दिनों में किस रणनीति से युद्ध लड़ना है, रूस की सेना को किस मोर्चे पर ज्यादा ध्यान देना है, सेना की तादाद बढ़ाकर कितनी करनी है, सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए हथियार मिलने जा रहे हैं, नए हथियारों की तैनाती कहां होनी है। продолжают поступать ракетные комплексы ЯРС. Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире, гиперзвуковых комплексов, ракетных комплексов. В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат адмирал флота Советского Союза Горшков с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире, гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования. पुतिन ने रूस के सैनिकों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पुतिन ने सेना में सैनिकों की तादाद 3.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का बहुत बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही पुतिन ने रूस की सेना को आदेश दिया है कि वो अपनी परमाणु युद्ध की तैयारी को बढ़ाए, सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए तैयार हो, फिनलैंड और स्वीडन के साथ लगी सीमाओं पर सेना के नए पोस्ट बढ़ाए जाएंगे,
पुतिन के सबसे नए ऑर्डर का एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रूस के उस ज़िरकॉन मिसाइल को जान लीजिए जिसका नाम लेकर पुतिन ने दुनिया को डराने की नई धमकी दी है। पुतिन का कहना है कि रूस की नौसेना के पास जनवरी की शुरुआत में नई हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज मिसाइलें होंगी। ये वो हथियार है जिसे मॉस्को ने हाल ही में तैयार किया है। पुतिन ने इसका भी ऐलान कर दिया है कि नई ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को जनवरी की शुरुआत में एडमिरल गार्शकोव फ्रिगेट पर लगाया जाएगा। एडमिरल गार्शकोव रूस की नौसेना के नॉर्थ फ्लीट का वॉरशिप है। ज़िरकॉन से लैस होने के बाद रूस की नौसेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। ज़िरकॉन एक एंटीशिप मिसाइल है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज गति से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई करीब 30 फीट है। ये 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को भेदने में सक्षम है। ये मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम वॉर हेड को भी ले जा सकती है। इसके साथ ही ये परमाणु हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। ज़िरकॉन मिसाइल रूस के उन 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है जिसे सुपर वेपन्स के तौर पर रूस पेश करता है। ज़िरकॉन मिसाइल को पुतिन रूस का अजेय शस्त्र क्यों करार दे रहे हैं, इसका जवाब इस मिसाइल की चकमा देने वाली कलाबाजी में छिपा है। Повторяю, все намеченные планы безусловно будут выполнены. Арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальон. Я хочу обратить внимание министра военного начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты. रूस का दावा है कि ज़िरकॉन मिसाइल अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस का दावा तो यहां तक है कि ज़िरकॉन मिसाइल अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट करियर को भी डुबो सकती है। आखिर ज़िरकॉन मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में क्यों नहीं आएगी, इसे समझ लीजिए। सुपरसोनिक मिसाइल तेज रफ्तार के साथ जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ती है, इस वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसके उलट बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार सुपरसोनिक मिसाइलों से कम होती है और ये अधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिसके चलते ये रडार की पकड़ में आ जाती हैं। पुतिन ने रूस के टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग में रूस के यार्स मिसाइल का भी नाम लिया। पुतिन का कहना है कि यार्स मिसाइल मोर्चे पर तैनात सेना को पहले की ही तरह मिलती रही। यार्स मिसाइल सिस्टम का 3-3 मूवमेंट पुतिन की सेना हाल ही में दुनिया को दिखा चुकी है। पहला मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रूस की न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6-6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए परमाणु बम से लोडेड यार्स मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। सवाल है, क्या इस शक्तिशाली परमाणु मिसाइल को आगे बढ़ाकर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु खतरों को बढ़ा दिया है? क्योंकि जमीन से मार करने वाली किसी भी परमाणु मिसाइल को ठीक ऐसे ही साइलों में फिट किया जाता है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए, इसमें हम आपको पुतिन के इस खतरनाक मिसाइल से अमेरिका भी क्यों डरता है इसे बताने वाले हैं। साथ ही उन 3 साइलों की पक्की लोकेशन बताने जा रहे हैं जहां इस परमाणु मिसाइल को सेट किया गया है। इस एक मिसाइल से रूस यूरोप में या फिर अमेरिका में कहां तक न्यूक्लियर निशाना साध सकता है, इसे भी बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये मिसाइल जब हमला करती है तो कैसे कहर बरपाती है। अपने परमाणु युद्धाभ्यास में इस मिसाइल को दागकर पुतिन पहले ही दुनिया को डरा चुके हैं। परमाणु हमला करने वाली ये मिसाइल जब अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है तो कैसे आकाश में आग लगाती है, इसे देख लीजिए।
Внимание! Пуск! यार्स मिसाइल है, जिसे अमेरिका में RS-28 यार्स मिसाइल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले रूस में परमाणु मिसाइल कितनी कारगर है इसे जान लीजिए। RS-24 मिसाइल 75.5 फीट लंबी और 55 टन वजनी है। रूस के परमाणु तहखाने में कुल 173 RS-24 मिसाइल है। 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ती है। परमाणु हमला करने वाली RS-24 मिसाइल की रेंज 10,500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पेलोड क्षमता है। RS-24 मिसाइल में 500 किलोटन के 6 परमाणु बम सेट हो सकते हैं, यानी यार्स मिसाइल से 3,000 किलोटन क्षमता वाला परमाणु हमला किया जा सकता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रूस यूक्रेन जंग के ठीक 300वें दिन ज़ेलेंस्की को अमेरिका जाना पड़ा? ज़ेलेंस्की को अमेरिका में यह क्यों कहना पड़ा कि हिटलर बन चुके पुतिन को जंग में हराना बहुत जरूरी है? क्या पुतिन की सेना कुछ ऐसा करने जा रही है जिसकी वजह से यूक्रेन, अमेरिका और नेटो में शामिल 30 देश खौफ में है? देखिए रिपोर्ट। हुर्रा! दो दिनों से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग में अब ऐसा क्या होने जा रहा है जिसे लेकर अमेरिका और नेटो के रोंगटे खड़े हो गए हैं? आखिर जंग में अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भागकर अमेरिका जाना पड़ा है? अमेरिका के पेंटागन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ ऑपरेशन हिटलर चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या यूक्रेन, अमेरिका और नेटो में शामिल 30 देश पुतिन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर्मूले से घबरा गए हैं? दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट क्यों दावा करने लगे हैं कि नए साल 2023 में या तो पुतिन का रूस जंग जीतेगा या फिर पुतिन का परमाणु बम यूक्रेन और नेटो को भस्म कर देगा? क्या यूक्रेन और रूस की जंग आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है? इस होने वाली त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? Я и так сейчас думаю. И сейчас так думаю. И то, что происходит, это, конечно, трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот. Это является результатом политики других стран. Третьих стран, которые всегда к этому стремились. К дезинтеграции русского мира. रूसी हमले शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की देश से बाहर निकले हैं और सीधे अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया। दोनों की गर्मजोशी और उत्साह में घबराहट भी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि पिछले 10 महीने से यूक्रेन पर पुतिन की रॉकेट आर्मी ने भारी तबाही मचाई।
आसमान से 8 बरसाती मिसाइलों ने यूक्रेन के दर्जन भर शहरों को खंडहर बना दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में तो कई मरघट बन चुके हैं। यूक्रेन की ऐसी दुर्दशा के बीच जेलेंस्की का अमेरिका दौरा साफ दिखा रहा है कि यूक्रेन कितने गंभीर संकट से गुजर रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के एक एक शहर और गांव को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन का दम निकालने के लिए यूक्रेन के हथियार सप्लाई, बिजली और पानी सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करना होगा, और यूक्रेन में इस वक्त रूस की फौज यही कर रही है। इसीलिए जेलेंस्की ने कीव से वॉशिंगटन तक की दौड़ लगाई है ताकि हारते यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ करे। अमेरिका में जेलेंस्की ने जिस तरह से दावा किया कि यूक्रेन कभी भी रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा, ये साबित करता है कि पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को अपने सेकंड वर्ल्ड वॉर फॉर्मूले में पूरी तरह से फंसा लिया है। यूक्रेन होल्ड्स इट्स लाइंस एंड विल नेवर सरेंडर। जेलेंस्की का रूसी मिसाइलों की बारिश और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन से निकलना, बाइडेन से मिलना पुतिन को बेहद नाराज कर गया है। टॉप सीक्रेट्स के मुताबिक पुतिन ने जंग को लंबा खींचने का मिशन तैयार कर लिया है। पुतिन की फौज खास तौर से यूक्रेन के आसपास सेकंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्मूले से युद्ध कर रही है। इसीलिए जेलेंस्की ने अमेरिका में साफ कहा है कि हमें हिटलर बन चुके पुतिन को रोकना होगा और पुतिन की नाजी सेना के खिलाफ मिलकर युद्ध करना होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर जेलेंस्की और बाइडेन जो क्यों साबित करने पर तुले हैं कि रूस की सेना नाजी सेना, जबकि पुतिन एक हिटलर की तरह है। असल में इसके पीछे पुतिन और उनके टॉपर जनरलों का वो वर्ल्ड वॉर टू फॉर्मूला है जिसने जेलेंस्की के यूक्रेन को जहन्नुम बना रखा है। रूस की फौज यूक्रेन के शहरों की जबरदस्त घेराबंदी कर रही है ताकि हथियार सप्लाई के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई बंद की जा सके। पुतिन ने 300,000 नई फौज को कीव को घेरने के लिए तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से जेलेंस्की के होश उड़े हुए हैं। नाटो भी मान चुका है कि पुतिन यूक्रेन में लंबी जंग की तैयारी कर चुके हैं, इसीलिए नए साल 2023 की शुरुआत में पुतिन की सेना यूक्रेन पर भयानक हमले करेगी। पुतिन रॉकेट हमलों से यूक्रेन की हर उस इमारत को तबाह करने में जुटे हैं जो यूक्रेन की स्नाइपर और सोल्जर के लिए बंकर या आड़ का काम कर रही है। यहाँ तक कि बेलारूस की तरफ से भी रूस और बेलारूस हमला करने जा रहे हैं, जहाँ रूस की मिलिट्री के साथ बेलारूस के 60,000 सैनिक यूक्रेन पर हमला करेंगे। पुतिन ने हमले की तैयारी इतनी जबरदस्त कर रखी है कि जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों पर भारी साबित होगी। रूस ने जंग का ब्लूप्रिंट सेकंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से तैयार किया है जो यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहा है। The occupiers have a significant advantage in artillery. They have an advantage in ammunition. They have much more missiles and planes than we ever had. And it's true, but our defense forces stand. यूक्रेन और नाटो लाख दावे कर ले कि रूस की मिसाइलों को उनके डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में रूस के रॉकेट और मिसाइल आर्मी भयानक हमले कीव समेत दर्जनों शहर पर कर रही है। कुछ दावों के मुताबिक 5 दिसंबर से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 300 से ज्यादा घातक मिसाइलों से हमले किए हैं, जबकि रॉकेट से किए गए हमलों की सही संख्या का अंदाजा लगाना तो डिफेंस एक्सपर्ट्स तक के लिए मुश्किल हो रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन में रूस की मिसाइलें तांडव मचा रही हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट नहीं मिल पाई है। हैरानी तो इस बात की भी है कि जेलेंस्की अमेरिका से और पैट्रियट मिसाइल मांग रहे हैं, जबकि अभी तक एक भी पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन नहीं पहुंची है। अमेरिका में जेलेंस्की स्क्रिप्ट पढ़कर यही साबित करते नजर आए कि यूक्रेनी लोगों में रूस का जबरदस्त खौफ है। We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. लगता है जेलेंस्की खुद के डर पर काबू पाने की कोशिश में है, इसीलिए अमेरिका की शरण में पहुंचे। अब आप जरा ये देख लीजिए कि जेलेंस्की सीक्रेट तरीके से कैसे हैवी सिक्योरिटी के साथ अमेरिका पहुंचे।
इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की अमेरिका की सैन्य विमान बोइंग C-40 के जरिए पोलैंड से यूरोप के ऊपर उड़ते हुए अमेरिका पहुंचे। इस विमान की उड़ान से एक घंटे पहले अमेरिका ने जर्मनी से नेटो के जासूसी विमान आवास को भेजा था। अमेरिका को रूस की समुद्र में गश्त लगा रही पनडुब्बियों से बड़ा खौफ था। इस वजह से पूरे मिशन जेलेंस्की को बहुत ही गोपनीय रखा गया था। जेलेंस्की का विमान ब्रिटेन के ऊपर से होकर गुजरा था। इस दौरान अमेरिकी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट उसके साथ मौजूद थे, जो ब्रिटेन के एक एयरबेस से उड़े थे। अमेरिका का F-15 फाइटर जेट परमाणु बम को भी गिराने में सक्षम है। रूस यूक्रेन में बम और बारूदों की तस्वीरें जितनी डरावनी है उससे ज्यादा खौफ भरने वाली तस्वीरें चीन से आ रही हैं, जहां कोरोना से होने वाली मौतों से लाशों का अंबार लग गया है। आज आपको चीन का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी कपकपी छूट जाएगी। ये वीडियो खुफिया कैमरे पर शूट किया गया है और ये स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें कोरोना का बेहद दर्दनाक सच सामने आता है। ये चीन में कोरोना विस्फोट का सबसे ताजा वीडियो है। अस्पताल में महिला की कोरोना से तड़प तड़प कर मौत हो गई। महिला के परिजन डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रह गए, लेकिन कोरोना मरीज को इलाज और दवाई नहीं मिली। चीन के हेल्थ सिस्टम का भंडा फोड़ हो चुका है। मरीज जमीन पर गिरे पड़े हैं। एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज चल रहा है। मुर्दा घर के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है, लेकिन शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की खैर नहीं। सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग की सेहत पर इसका कतई असर नहीं दिख रहा। उनकी सेना की नई ड्रिल का नजारा देखिए और उसके आगे देखिए कोरोना से बेमौत मरती चीन की जनता की बेहद दर्दनाक तस्वीरें। दुनिया को दर्द, मौत और मातम देने का खेल कैमरे में कैद है। ये वीडियो एक जहरीले सच को छुपाने की बेजा ख्वाहिश है। शी जिनपिंग एक्सपोज हो चुके हैं। चीन के इस वीडियो को आज बहुत गौर से देखने और समझने की जरूरत है। इस बेहद खुफिया वीडियो को बहुत बच बचाकर शूट किया गया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अगर इसकी भनक भी लग जाती तो कैमरा पर्सन को मौत की नींद सुला दिया जाता। शी जिनपिंग कोरोना की लाशों के अंबार को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि एक बार फिर चीन कोरोना महामारी का प्रलय झेल रहा है। दूसरे कई वीडियो भी इसी तरह से चीन से आ रहे हैं, जिन्हें देखकर एक बार की कोई डर जाए कि क्या चीन से डेडली कोरोना लहर चलने ही वाली है। चीन से कोरोना की 2020 से अब तक यानी 3 सालों में चीन और कोरोना एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। चीन पहली बार झूठ नहीं बोल रहा है। कोरोना पर सी जिनपिंग का सफेद झूठ कई बार बेनकाब और बेपर्दा हो चुके हैं, लेकिन हया हो तब तो। दुनिया को कोरोना से आगाह कर चीन वाहवाही भी लूट सकता था और कोरोना महामारी से लड़ने में दुनिया का साथ भी निभा सकता था, लेकिन लोकतांत्रिक राह पर नहीं, बुलेट और बारूद के सहारे चलने वाली चीन की सरकार समझती कहां है। शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद एक ऐसे शासक के रूप में सामने आए हैं जिसकी तह में तानाशाही है। चीन में कोरोना की आज आपको असली तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए और सोच कर सिहरिए कि आपका पड़ोसी मुल्क मौत को कैसे छुपा रहा है। जिन चाइनीज सामानों से दुनिया अटी पड़ी है उसे बनाने वाले हाथ कैसे मौत की चादर में लिपटे हैं? ये चीन के आम आदमी हैं। कोरोना जिनके माथे पर मौत टांग गई। आंकड़ों की बाजीगरी का ड्रैगन वाला खेल कैसे वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो चुका है ये देखना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि मौत का सौदा करने का हक चीन को कतई नहीं है।
चीन में कोरोना की ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू करते ही इस बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ऐसी भयानक लहर आई कि जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। चीन के अस्पतालों में बेड फुल है, मुर्दा घरों में शवों का ढेर लगा है, अंतिम संस्कार के लिए भी 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। आपको एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि चीन के दुनिया को बताए मौत के आंकड़ों की हकीकत ड्रैगन के डर्टी माइंड का एक गेम है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में लंदन स्थित एक एनालिटिक्स फर्म एयरफिनिटी लिमिटेड के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट बताती है कि चीन में रोजाना करीब 10 लाख कोविड मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही 24 घंटे में 5000 लोगों की मौत हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जीरो कोविड नीति को जब से हटाया गया है तब से ही ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट ज्यादा आक्रामक हो गया है। इसकी वजह से अगले एक महीने के अंदर नए केसेस की संख्या 3.7 लाख तक हो सकती है। मार्च में ये आंकड़े 42 लाख तक पहुंच सकते हैं। इधर ये रिपोर्ट और उधर शी की सरकार की कोरोना के आंकड़े जो आपको दिखाएंगे। इस वक्त शी जिनपिंग की सरकार कोरोना पर बीजिंग में क्या विचार दे रही है सुन लीजिए, क्योंकि कोरोना पर चीन में एक बार फिर फजीहत हो रही है। देने के लिए दलील नहीं तो चीन के प्रवक्ता गाल बजा रहे हैं। BT1和SBB已经传入我国，我国呢近三个月来已经监测到BIQ7、BT1、SBB这个传入我国，一共是发现近三个月有130多个奥密克戎的亚分支输入我国，同时呢这50个亚分支也引起关联的本土病例或者爆发流行，就包括这个BT1和SBB。 चीन में कोरोना का ग्राफ आपको दिखाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना डायन अचानक का धमकी और एक बारगी चीन के आम आदमी को निगलने लगी। हालात धीरे धीरे खराब हुए हैं। शी सरकार की नियत पर सवाल खड़ा करना जरूरी है, ये पूछना जरूरी है कि छुपाकर शी जिनपिंग दुनिया को क्या कोरोना की मौत मारना चाहते हैं। आपको दिखाएंगे कि चीन के कोरोना को लेकर अब तक का क्या स्टैंड रहा है और उस पर दुनिया भर में कैसे शी जिनपिंग की बेइज्जती हुई है। पहले ये डेटा देख लीजिए, 1 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के कुल 3,23,686 केस थे। यह आंकड़ा 6 दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,83,175 तक पहुंच गया। यहां आपको चीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट भी जरूर देखनी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि चीन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस की वजह से 31,378 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के अलावा दुनिया के कई देशों में BF.7 फैलना शुरू हो गया है। मतलब किसी भी स्रोत को खंगाल लीजिए, एक बात साफ है कि चीन में कोरोना का कहर जारी है। शी जिनपिंग की सरकार दुनिया से इस सच को छिपा रही है ताकि मुल्क की कोरोना को लेकर फिर बदनामी शुरू ना हो जाए, लेकिन शी जिनपिंग का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने है। ब्लूमबर्ग वाली रिपोर्ट की डिटेल देख लीजिए, इसके बाद चीन कोरोना को लेकर क्या डेटा दिखाता है उसकी डिटेल दिखाएंगे। चीन की राजधानी बीजिंग में संक्रमण दर 50% से अधिक हो सकती है, यहां तक कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में यह तादाद 70% से अधिक हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति गंभीर है, ओमिक्रॉन वेरिएंट से तुलनात्मक रूप से कम लोगों की मौत होती है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ की बुजुर्ग आबादी पर कोरोना काल बनकर टूटा है। हालांकि इसके जहरीले पंजे में करीब करीब हर उम्र वर्ग के लोग हैं। चीन ने नवंबर में अपनी सख्त जीरो कोविड नीति को समाप्त कर दिया और तब से चीन में कोरोना में तेजी आने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक 104 डिग्री बुखार वाले बुजुर्ग मरीज के पास अस्पतालों के बाहर 6 घंटे इंतजार करने या फिर घर जाने का विकल्प है। कई घर जाने के विकल्प को चुन रहे हैं, लेकिन चीन की जारी की गई कोरोना रिपोर्ट को देखिए, कुल 3,89,306 नए केस, 3,030 टोटल डेथ, 5,241 न्यू डेथ, 528। चीन में कोई भी ये नहीं मानता है कि मरने वालों की संख्या इतनी कम है, क्योंकि कई लोगों ने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों या पड़ोसियों की मौत देखी है। चीन में सिर्फ न्यूमोनिया या सांस लेने में परेशानी से होने वाली मौतों को कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस लिहाज से मृतकों की संख्या अपने आप कम हो जाती है,
जबकि पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से पूरा चीन इस वक्त घबराया हुआ है। इस बार चीन में मचे कोविड 19 के कोहराम की वजह से इस वायरस के नए वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार माना जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसकी वजह से चीन में संक्रमित लोगों की तादाद का आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंच सकता है और अगले 3 महीनों में यानी मार्च 2023 तक 5 से 20 लाख लोगों की मौतें हो सकती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की नई लहर की पीक 22 जनवरी तक चल सकती है और इसके बाद हालात सामान्य होने शुरू होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी चीन पर कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा है, लेकिन दुनिया के सामने चीन के कोरोना मरीजों की जो तादाद सामने आई है वो डराने वाली है। एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना का कहर साफ दिखाई दे रहा था। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चुप्पी साधने वाला चीन भी अब ये मान रहा है कि उसके देश में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट की वजह से ये वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर का ये कहना है कि ये वेरिएंट बाहर से उनके देश में आया है, ना कि इसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया के सामने कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, लैम्बडा और MU यानी 7 वेरिएंट सामने आ चुके हैं। हर वेरिएंट के कई सब वेरिएंट भी मौजूद हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 वायरस को 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया है। पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है, वहीं लैम्डा और MU जैसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्लासिफाई किया गया है। वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 35 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 10,307 लोगों की मौत हुई है। WHO के मुताबिक चीन में जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है, वो BF.7 भारत में भी दस्तक दे चुका है। इंस्काकॉग डेटा के मुताबिक भारत में अब तक BF.7 के 4 केस मिल चुके हैं। भारत में गुजरात और ओडिशा में ये वेरिएंट मिला है। इनमें जुलाई में 1, सितंबर में 2 और नवंबर में 1 केस सामने आए थे। बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। चीन सरकार का कहना है कि वो कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन ये कदम कैसा है उसका ये वीडियो सबूत है। चीन ने दुनिया को हमेशा गुमराह किया है। कोरोना महामारी अब तक दुनिया के करीब 7 लाख लोगों की जिंदगी ले चुकी है, लेकिन चीन की मोटी चमड़ी पर इसका कोई असर नहीं दिखता। सबूत नंबर 1, आपने इसका सबूत नंबर 1 इस स्टिंग वीडियो में देखा जहां लाशों का पहाड़ खड़ा है। अब सबूत नंबर 2 देखिए, वुहान वाला सच चीन ने छुपाया। वुहान में दुनिया भर के रिसर्चर और साइंटिस्ट को नहीं जाने दिया गया। सबूत नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों को चीन में कोरोना की हालत देखने से रोका। सबूत नंबर 4, चीन में कोरोना से होने वाली मौतों में शी जिनपिंग की सरकार ने हेराफेरी की।